साथ कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 38 पार्षद राजेश यादव के घर का महिलाओं ने किया घेराव। राशन ना मिलने को लेकर गुस्साई महिलाओं ने पार्षद को बताई परेशानी। महिलाओं ने कहा पर्ची काट दी, दो दिन पहले नहीं दिया गया राशन। पार्षद का कहना है कि अधिकारियों को फोन करने पर भी नहीं की जाती कार्यवाही। नाम क्या है आप? नीलम नाम है मेरा। ये देखो पर्ची काट दी, राशन नहीं दिया है। क्यों? मुझे क्या पता क्यों दिया है, देती नहीं है, खत्म हो गया। पर्ची क्यों काटी थी फिर आपकी? काट दी, जमा कर लेना, काट दी पहले। राशन डीलर कौन है? नहीं है। कहाँ पर है, कौन सी जगह? ममता नगर। तो आप कहाँ आई हैं अभी? अभी तो यहाँ पार्षद जी के पास हूँ मैं तो। सब लोग पार्षद जी के पास? और क्या सिखाने के आए? पार्षद जी ने क्या आश्वासन दिया है? वो तो ये कह रहे हैं तुम लोग जानो, कल तो मीडिया बुलाएंगे, बताएंगे उनके सामने, बताना कुछ जो समस्या है। सो राशन देता नहीं है, हर बार ऐसे करता है क्या? ब्लॉक कर देता, कुछ करते हैं ये। क्या नाम है आपका? रज्जू जी। कहाँ पर राशन डीलर आपका, क्या मामला है? राशन डीलर नाम क्या है? राशन क्यों नहीं दे रहे हैं? देते ही ना, बेच देते तो दुनिया कम करता, पहली बेच के खा लेता है। पर्ची दे दी आपको? पर्ची दी गई। राशन नहीं दे रहे? राशन दे रहे। तो बीपीएल को अभी पार्षद जी के आए, पार्षद जी के आए आयो, पार्षद जी ने क्या कहा है? और बाल बुला रहे हैं। अच्छा राशन बेच देते हैं? हाँ राशन बेच देते हैं। पहले बराबर राशन मिलता है आपको? ना शुरू था ऐसे ही मिल रहा है, देते ना जो खत्म करेगा। कोटेदार हो आप? मैं पिताजी पे कोटा। तो इनकी पर्ची काट के इनको राशन क्यों नहीं दिया यार आपके द्वारा? अब ऐसा है दूसरी दुकान के जो कार्ड ले गए हैं जी हम पैसे, तो उसकी वजह कुछ कम पड़ गया है, तो आज हम माल ला के बांट देंगे। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, आप राशन की दुकान चला रहे हैं, मैं तो चलो पत्रकार हूँ मुझे इतना नहीं मालूम होगा, लेकिन जब जब मशीन में से जब पर्ची निकलती है तो क्यों निकलती है? जब ही निकलती है, जब राशन होगा दुकान में जब ही निकलती है। अगर दूसरे लेके गए तो पर्ची नहीं निकलनी चाहिए थी आपकी मशीन से? स्टॉक था जी मशीन में, अगर स्टॉक है तो पर्ची निकलेगी। तो मतलब राशन था नहीं स्टॉक में और आपने पर्ची निकाल के दे दी, अब इन्हें राशन कहाँ से मिलेगा? पर्ची आपके यहाँ से निकली है, राशन दूसरी जगह से कैसे मिलेगा इन्हें? कब दोगे फिर आप? राशन आपके पास खत्म हो गया, राशन अब आएगा नहीं? आज हम लेके आएंगे, कल बांट देंगे। नहीं ये राशन बचा है क्या आपका? सो आप लेके आएंगे इस महीने का राशन बचा है क्या वहाँ पर? आप लेके आएंगे क्या इस दूसरे महीने में बटेगा वो वाला लेके आए उसमें से देंगे आप? नहीं नहीं मोल ला के देंगे। मोल कैसे ला के दे दोगे आप? क्या करें पर? क्यों मोल कैसे, अपने घर से दोगे क्या? नहीं क्यों, गपलेबाजी आप करो, घर से ला के और दोगे आप? आज संध्या तक बांट देंगे हम। तानाशाही है आपकी? नहीं बिल्कुल है, पर्ची दे दी आपने, राशन दे दी नहीं है तो ताना सही है, नहीं देंगे जिम में से ला के देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे। किसी की फट जाएगी जो हमारे पिताजी के नाम के कार्ड है, दूसरी दुकानों पे ले रहे थे। दूसरी दुकानों पे ले, आपने पर्ची क्यों दी? बड़ी बात तो ये उठती है आपकी पर्ची, आपने पर्ची क्यों काटी? वक्त पे पास राशन नहीं था, आपकी मशीन में अगर राशन नहीं है तो पर्ची कटेगी नहीं। ठीक है तो आपने पर्ची भी काट दी, राशन आपने बेच दिया, राशन कहाँ बेचा आपने? तो फिर कहाँ गया सर? ममता नगर में राशन डीलर बूंदीलाल के यहाँ लोगों ने कुछ पार्षद के घर का घेराव किया था, जो पर्ची निकाल के राशन नहीं देगा सर, इसमें किस प्रकार की कार्रवाई है, आपने क्या देखा? अब मैं उसे पहुँच गया हूँ, जैसा कि आप लोगों का और पार्षद जी का फोन गया था, तो यहाँ पे है 40-50 लोग जिनकी पर्ची उचित दर विक्रेता बूंदीलाल ने काट रखी है, उनको राशन नहीं दिया है। अभी मौके पर मैं सभी कार्ड धारकों के बयान नोट कर रहा हूँ और इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए मैं अपनी आख्या जिला पदाधिकारी महोदया के यहाँ प्रस्तुत करूँगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।